नमस्कार, मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। वन मंत्री विजय शाह आज धार पहुंचे, धार के सर्किट हाउस पहुंचे, उसके पश्चात वे निजी होटल में वन विभाग की वृत्त स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए। समीक्षा बैठक के उपरांत मीडिया से धार जिला पत्रकार संघ के कार्यालय में रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि मांडू में वॉच टावर लगाया जाएगा, जिस पर हाईटेक दूरबीन लगाई जाएगी। वही उन्होंने कहा कि जिससे कि टूरिस्ट माँ नर्मदा के दर्शन कर सके, तारामंडल को देख सके, वही स्टूडेंट्स तारामंडल का अध्ययन कर सके। 20 चीते अफ्रीका के शीघ्र ही मध्य प्रदेश को मिलेंगे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। और उससे भी ज़्यादा रिक्त वन क्षेत्र है जो 36.794 प्रतिशत है और 42,747.84 हेक्टेयर रिक्त वन है। 10% क्षेत्र मांडो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह है। दुनिया के लोग आते हैं मांडो का इतिहास जानने, घूमने, खूबसूरत वादियाँ देखने। और हमने पढ़ी है, हमने सुनी है, कहावतें हैं कि रानी रूपमती रोज़ माँ नर्मदा के दर्शन करती थी और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती थी। उस ज़माने के लोगों की आंखें भी बड़ी अच्छी हुआ करती थी जो दूर तक देखा करती थी, लेकिन आज इन आँखों से कई बार नर्मदा जी नहीं दिखती। मांडो की खूबसूरती ऊपर से अच्छी सी दिखे, मांडो की खूबसूरती के साथ साथ मांडो की हरियाली और मांडो की खूबसूरती के साथ साथ जो टूरिस्ट है उसको माँ नर्मदा के दर्शन भी हों और आसमान के वायुमंडल के सारे तारे भी नौजवान बच्चों को पढ़ाई में, शिक्षा में काम आवे। आज हमने निर्देश दिया है कि मांडो की ऊंची पहाड़ी पर एक वॉच टावर लगाया जाए, बहुत अच्छी हाईटेक दूरबीन लगाई जाए। पहले रानी रूपमती नर्मदा जी को देखती थी, मांडो की खूबसूरती को निहारती थी, आने वाली पीढ़ी उससे तारे देखे, उससे माँ नर्मदा के दर्शन करे और मांडो की खूबसूरती को निहारे। उसके वॉच टावर बनाकर दूरबीन का जो भी पैसा होगा वो वन विभाग उनको उपलब्ध कराएगा। जगह का चयन मैंने अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो जाके देखें, ताकि हम मांडो के टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। ये निर्देश मैंने आज दिए। चीता मध्य प्रदेश में विलुप्त हो चुका है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में हम अफ्रीका से चीते ला रहे हैं, अभी 10 ला रहे हैं, फिर 10 और लाएंगे और ऐसे 20 चीता हम पालपुर कुनो में लाएंगे। और उसके बाद उस पार्क का डेवलपमेंट, चूँकि अभी शेर आ नहीं पा रहे, बब्बर शेर, तो हम चीते ला रहे हैं और उस पार्क को भी डेवलपमेंट भविष्य में हम लोग करने जा रहे हैं। इसी तरह जो फॉरेस्ट को लेकर के जितने हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, खासकर जो वाइल्ड लाइफ के लिए रखते हैं, वो हमारे पार्क के रखवाले नॉमिनल पैसे में रात और दिन जान की बाजी लगा के वो जंगल की सुरक्षा करते हैं। जिनको 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, उनको कुशल मजदूर का वेतन तक नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से बात करके भविष्य में कुछ पार्क में जो काम करने वाले 14 साल 15 साल हो गए, अर्ध कुशल से कुशल, अकुशल से कुशल, ताकि 2-4 हज़ार रुपये उनके बढ़ जाए, पार्क डे हम मनाएं और पार्कों में काम करने वालों को साल में एक बार वो गरीब के माता पिता भी जिप्सी में बैठ कर के अपने माता पिता को पार्क दिखाएं और साथ में भोजन करें और उनका मेडिकल चेकअप करें। ये हम 1 अक्टूबर से जिस दिन पार्क खुलेगा उसके बाद 1 नवंबर तक सारे पार्कों में गरीब लोगों का कैंप लगा के पार्क डे मनाना चाहते हैं। तो छोटे कर्मचारी भी हों, सुरक्षित कर्मचारी भी हों, जो सुरक्षा करने वाले हैं जंगलों की, अपनी सुरक्षा करने के लिए अगर वो लाइसेंस, खुद की बंदूक लेना चाहते हैं, हमने दिशा निर्देश जारी करा है, खुद की सुरक्षा के लिए वन कर्मचारी अगर हथियार रखना चाहता है तो उसको तत्काल शासन अनुमति देगी और कलेक्टर से भी हमारी बात हुई है, तत्काल उन्हें अनुमति